नमस्कार। जिंदगी में जो लोग कुछ अलग कुछ हटकर करना चाहते हैं उन्हें दुनिया भी कुछ अलग नजर से देखती है। कभी कभी उनको संकित कह दिया जाता है, जबकि सच यह है कि इस अजब से दुनिया को समझने के लिए कुछ अजब सा कभी कभी बनना भी पड़ता है। और अगर आपकी सोच सही है तो इसकी परवाह मत कीजिए कि कौन कैसा आपको समझता है। आप अगर अपनी जगह सही हैं तो आपका अजब सा व्यवहार, आपका अजब सा रास्ता आपको गजब की मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। आपका रास्ता सही बना रहे इसके लिए आपके साथ है आपका हम सफर, आपके तारे ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी के साथ। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो सबसे पहले जानेंगे ज्योतिष गुरु से कि क्या कहता है पंचांग, उसके बाद सीखेंगे कि आज के दिन को कैसे जीना है। आज 14 सितंबर 2019 है और शनिवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2076 है और शक संवत 1941। भाद्रपद मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष पूर्णिमा है सुबह 10:03 तक, और उसके बाद अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है रात 10:55 तक, और उसके बाद उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं कुंभ राशि में और चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करेंगे शाम 4:12 पर। आज भाद्रपद पूर्णिमा है, महालय आरंभ हो रहे हैं और प्रतिपदा का श्राद्ध। तो मेष और वृषभ, दिन तो आ चुका है आपके सामने और आपकी बहुत सारी तैयारी भी होगी आज के दिन को लेकर। उसमें आपको हमारी तैयारियों बस शुमार कर लेना है, शामिल कर लेना है। कुछ छोटी छोटी सी बातें होंगी, आसान सी बातें होंगी, जिनको करने में कोई बहुत मुश्किल भी नहीं होने वाली। आपको करिएगा जरूर, असर दिखेगा। तो मेष और वृषभ, सबसे पहले आप। मेष राशि वाले अपनी अच्छाइयों और अपनी उपलब्धियों की ओर देखें और अपने लिए बचाव भी बनाए रखें। ये दोनों चीजें इसलिए एक साथ कह रहा हूं क्योंकि हालात को संभाले रखने के लिए थोड़ा सा संभल कर चलना ही जरूरी है। किसी भी तरह के बड़े परिवर्तन का विचार भी आपके लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। क्या करना चाहिए समय में? पैसे की स्थिति ठीक है पर बचत को बढ़ाने में कमी हो सकती है। उसकी एक वजह यह भी है कि अगर कोई देनदारी है तो उसे भी साथ ही साथ चुकता कर ले। कुल मिलाकर पैसे से जुड़ी सही योजना बनाने का समय है जिसका फायदा उठाया जा सकता है। क्या ना करें समय में? रिश्तों के प्रति इतना झुकाव ना बनाएं कि कामकाज की स्थिति कमजोर पड़ती चली जाए। पढ़ाई की दिशा में आपके विचार अच्छे हैं पर एकाग्रता की कमी है और वही ठीक नहीं। इसलिए अपनी प्राथमिकताओं को पहचानना इस समय बहुत जरूरी होगा ताकि आपकी ओर से किसी भी तरह की कमी ना रहे। वृषभ राशि वाले कामकाज से जुड़ी चुनौतियों को संभालने के लिए लोगों से सहयोग और समर्थन चाह रहे हैं और वो सहयोग आपको लोगों से मिलेगा भी, पर इसके साथ साथ अपनी मेहनत को भी बनाए रखने की जरूरत है ताकि सिर्फ लोगों के भरोसे ना चला जाए। क्या करना चाहिए समय में? कुछ भी समझने के लिए और करने के लिए आपके अंदर क्षमता भरपूर है पर इस समय उस तरह की एकाग्रता नहीं बन पा रही जिसकी जरूरत है। इसलिए अपनी कोशिशों को बढ़ाना होगा और अपने भविष्य को बनाने के लिए कुछ ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी। क्या ना करें समय में? किसी रिश्ते में आप इतना ना बह जाएं कि बाकी चीजों पर बुरा असर पड़ना शुरू हो जाए, क्योंकि आपकी अच्छाई के बावजूद ये समय किसी न किसी तरह का मतभेद भी दर्शा रहा है। इसलिए अपनी प्राथमिकताओं का आंकलन करने में भी किसी तरह की कमी ना आने दें। देखिए, अपनी प्रायोरिटीज को समझिए और उनको असेस करने में अपनी तरफ से कोई गलती मत रखिएगा। अवतार सिंह साहब का सवाल लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ है 3/9/1978, समय है सुबह 9:05, जमशेदपुर में इनका जन्म हुआ है। पिछले 4 महीने से बेरोजगार हैं, कहीं पर भी जॉब स्टेबल नहीं रह पाती इनकी, तो कब तक जॉब इनको मिलेगी या इनको बिजनेस के बारे में सोचना चाहिए? अवतार सिंह जी, आपकी कुंडली है तुला लगन की और सिंह राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी राहु की और अंतरदशा चल रही है केतु की January 2020 तक। पिछले 4 महीने से आपके पास जॉब नहीं है और बहुत परेशानी की बात होती है। अच्छी बात यह है जी कि नवंबर दिसंबर 2019 में आपको जॉब मिल जाएगी और वो समय बहुत जल्दी आ रहा है, लेकिन आने वाले साल में 2020 में आपको किसी भी तरह के मतभेद से बचना होगा। तो जॉब में कैरियर को बनाते हुए बहुत सारा धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत है। इस तरह की आदत बना लीजिए ताकि किसी भी तरह के तकरार से बच के आप अपने जॉब से जुड़े रहें ताकि वो स्टेबिलिटी, वो स्थिरता बनी रहे जिसकी की ज़रूरत है। आगे बढ़ेंगे हम और अब बात करेंगे मिथुन और कर्क आपकी, तो देखते हैं कैसा है आपके लिए आज का दिन और ज्योतिष गुरु आपको क्या बताते हैं अपने अचूक टिप्स में। मिथुन राशि वालों को अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो लोगों से जुड़ना होगा और लोगों को ज्यादा समझने की कोशिश करनी होगी। हर इंसान में कोई ना कोई अच्छाई जरूर होती है। अगर आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको लगेगा कि लोगों को समझने में आपकी ओर से कमियां रही हैं। क्या करना चाहिए समय में? आप अपनी जगह सही हो सकते हैं पर लोगों की बात को भी समझने की कोशिश करें ताकि किसी भी तरह के तकरार की स्थिति से बचा जा सके। जिंदगी में सब कुछ अपनी रफ्तार से चलता है, इसलिए थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। अपने मन में घबराहट मचा लेने से नुकसान ही होता है।
क्या ना करें समय में, अपनी कार्य क्षमताओं को इतने ऊंचे स्तर तक ले जाएं कि किसी भी तरह का नुकसान ना होने पाए। इसलिए अपने साथी सहयोगियों से कोई ऐसा तकरार ना बढ़ाएं जिसकी फिलहाल कोई जरूरत ही नहीं। कर्क राशि वाले रिश्तों की अच्छाई को पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे, शायद इसी वजह से कोई ना कोई विवाद छिड़ा हुआ है जिसका बुरा असर फिर किसी प्यार के रिश्ते पर आ सकता है। इसलिए अपने मन को भटकाने के बजाय आपको बहुत सारा धैर्य बनाए रखने की जरूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए समय? सेहत की चिंता हो सकती है आपके मन में, पर उसका एक बड़ा कारण यह भी है कि आपकी ओर से अनुशासन बनाए रखने में कमी रही है, जिस ओर थोड़ा सा ध्यान तो देना ही पड़ेगा। अपने खान पान पर भी नजर रखने की जरूरत पड़ सकती है। क्या ना करें समय में, कामकाज से जुड़े हालात मददगार और आर्थिक स्थिति भी संभली हुई, ऐसे में आप इतना भी लापरवाह ना हो जाएं कि उसका बुरा असर जिंदगी की बाकी चीजों पर पड़ना शुरू हो जाए। ऐसे में रिश्तों को कमजोर करते चले जाना या सेहत को बिगाड़ते चले जाना ठीक नहीं। रिश्तों को कमजोर करते चले जाना या अपनी सेहत को खराब करते चले जाना, ये दोनों चीजें ही सही नहीं है, दोनों पर ही आपको ध्यान देना है। हमें ध्यान देना है सिंह और कन्या राशि के भाव पर, तो देखते हैं आपके लिए आज का दिन कैसा दिखता है और क्या करें क्या बिल्कुल ना करें। सिंह राशि वालों के लिए घर परिवार का सुख बना हुआ है, पर उस सुख को बनाए रखने के लिए बहुत सारी चुनौतियां हैं। रिश्तों का ताना बाना इतना जटिल है कि कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो आपकी परेशानियों को बढ़ाए हुए है। अपनी विनम्रता को बनाए रखने से भी हालात को समझना आसान हो सकता है। क्या करना चाहिए समय? रिश्ते जोर जबरदस्ती के बजाय एहसास से बनते हैं और पनपते हैं। लोग आपके प्रति हर तरह से मददगार हैं, पर आपको ये सोचना होगा कि आपने उन रिश्तों को बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ किया है। उस एहसास को बढ़ाना होगा जिसकी इस समय सख्त जरूरत है। क्या ना करें समय में, किसी भी तरह का अड़ियल स्वभाव बनाते चले जाना ठीक नहीं है। हालात मददगार, पर रिश्तों के प्रति किसी भी तरह की कमी बिल्कुल ना आना। कन्या राशि वालों के लिए लोगों से मिलती हुई मदद का एक बुरा असर यह हो रहा है कि आप कुछ हद तक लापरवाह होते चले जा रहे हैं। आपके अंदर सूझबूझ बहुत है, पर फैसलों में कमी आ रही है और आपकी कोशिशें बिखरी पड़ी हैं। आपको कुछ ऐसा लगता है कि लोग ही आपकी हर समस्या का समाधान कर दें। क्या करना चाहिए समय में? एक और तो लोग आपकी मदद करें, दूसरी ओर आप उन्हीं लोगों को शक की नजर से देखें। ये ऐसी स्थिति है जिसमें सवाल आपके ऊपर ही खड़े हो रहे हैं। हर इंसान की अच्छाई ढूंढने की कोशिश करनी होगी। आपको भी हर व्यक्ति की आलोचना करते चले जाने से बचना होगा। क्या ना करें समय में? किसी ऐसे ख्वाब के पीछे न भागें जो आपको इस समय बहुत अच्छा लग रहा हो और जिसकी वजह से आपकी सारी तवज्जो उसी ओर लगी हुई हो। इस बात को समझ लें कि उसके पीछे कोई ना कोई छुपा हुआ नुकसान या छुपी हुई परेशानी हो सकती है, इसलिए अनजाने में भी अपनी मुसीबतों को बुलावा न देते चले जाए। देखिए, अनजाने में भी मुसीबतों को दावत मत दीजिए, बहुत संभल कर चलिए ताकि कोई भी मुसीबत आपके आस पास भी ना भटके। हम हैं, कोई मुसीबत नहीं भटकेगी आपके पास। सवाल लेते हैं सर, विशाखा दधीच का सवाल पूछा है इनके पिताजी ने, सुभाष शर्मा। 22/10/1992 5:06 सुबह इनका जन्म हुआ है सीकर, राजस्थान। शादी कब तक होगी? घर वाले चाहते हैं कि अरेंज मैरिज हो। क्या करें इसके लिए, कब तक सही समय? सुभाष जी, आपने अपनी बेटी विशाखा के बारे में पूछा, उसकी शादी के बारे में। विशाखा की कुंडली है जी कन्या लगन की और सिंह राशि की। उसकी महादशा चल रही है जी चंद्रमा की और अंतरदशा भी चल रही है चंद्रमा की फरवरी 2020 तक। कब तक शादी होगी? फरवरी-मार्च 2020 में एक अच्छा सा योग बना हुआ है जब शादी हो सकती है, और बहुत संभव है कि अपनी मर्जी की शादी का विचार हो, जिसे आपको बहुत ध्यानपूर्वक सोचना होगा आपको परिवार को, क्योंकि ये फैसला बहुत कभी कभी मुश्किल सा हो जाता है, और अगर आप फैसला कर लें तो सब कुछ आसान भी हो जाता। तो इसलिए दोनों कुंडलियों का मिलान कराना बहुत ज़रूरी है। अहम बात यह है, सिर्फ किसी भी चीज़ को आँख बंद करके सपोर्ट करना या उसके खिलाफ चलना, दोनों ही बातें ठीक नहीं होती, इसलिए कुंडलियों का मिलान कराइए। वैसे भी इस शादी का जो ये समय है ये अच्छा है, इसे बहुत ज़्यादा पोस्टपोन करते चले जाना भी ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम भी और अब बात करेंगे तुला और वृश्चिक राशि आपकी, तो देखते हैं आपके लिए कैसा है आज का दिन, क्या करें क्या बिल्कुल ना करें आप। तुला राशि वालों का भरोसा जग रहा है और आप कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित हैं। यही वजह है कि कोई ना कोई अच्छा मौका आपको मिल रहा है जो आपकी लगन को बढ़ाए और आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर करता चला जाए। ऐसे अच्छे मौके भी कभी कभी मिला करते हैं। क्या करना चाहिए समय में? किसी ऐसे विकल्प को टटोलना होगा जिसमें लोग आपका साथ दे सकें, और उसके लिए अपनी एकाग्रता को भी जगाना होगा। आपकी अपनी मेहनत से आपको बड़ा लाभ मिल सकता है, इसलिए इस समय का पूरा फायदा उठाना होगा। बार बार अपने फैसलों को बदलते चले जाने से भी बचने की जरूरत है।
क्या ना करें इस समय में, पैसे से जुड़े हालात को लेकर इतना भी पुरसुकून ना हो जाएं कि आपसे गलतियां होनी शुरू हो जाएं। वैसे भी अपने रोजमर्रा के खर्चों को इतना ना बढ़ाएं कि आपकी मुश्किलें बढ़ती चली जाएं। वृश्चिक राशि वालों के सामने कई तरह के अच्छे विकल्प हैं, जिसमें आप अपनों की और अपने बच्चों की खुशियों को शामिल कर सकते हैं। पर ऐसे में प्राथमिकता ये भी बनानी होगी कि आपका काम काज सुचारू रूप से चलता चला जाए। पैसे से जुड़े फैसले जरूर करें और उसमें अपनों की सलाह भी ले लें, ताकि फैसले सूझबूझ से किए जा सकें। क्या करना चाहिए समय में, जिस रूप से आपने मेहनत की है और जो कुछ आपने हासिल किया है, उसे कमी की नज़र से न देखें, क्योंकि ऐसा करने से आपकी नकारात्मकता बढ़ सकती है। हर चीज़ में जुड़ी हुई अच्छाई को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको इस बात का आभास होगा कि ईश्वर की बहुत कृपा रही। क्या ना करें इस समय में, कामकाज के क्षेत्र में कोई ऐसा मुद्दा ना उठाएं जो किसी तकरार में परिवर्तित हो जाए। इसलिए काम के प्रति अपना समर्पण बढ़ाएं और किसी भी तरह की बहस में बिल्कुल ना पड़े। ये समय कुछ ऐसा है जिसमें चुप रह जाना ही आपके हित में होगा। अगर बात समझ में ना आए तो चुप रह जाना ज्यादा बेहतर है बनस्पत कुछ गलत बोलने के। धनु और मकर राशि, अब आपके लिए क्या देखते हैं ज्योतिष गुरु आज के दिन के लिए, ध्यान से सुनिए। धनु राशि वालों के मन में किसी भी तरह की यात्रा या स्थान परिवर्तन का विचार हो सकता है और उसके चलते भी भाग्यशाली परिस्थितियां खुलती चली जाएं, ये भी बहुत हद तक संभव है। उस आशीर्वाद को समझे जो इस समय आपके लिए बड़ी उपलब्धियों के रूप में बना हुआ है। क्या करना चाहिए समय में, अपना नजरिया कुछ ऐसा बनाना होगा जिसमें व्यवहारिकता आपका साथ निभाए, इसलिए भरोसा भी करना होगा। जिंदगी में बड़ी ऊंचाइयों को छूने के लिए भी इंसान को उसी भरोसे पर टिके रहना होता है। क्या ना करें समय में, तकदीर से कोई ऐसा खिलवाड़ ना करें जो आपके खर्चों को या आपके नुकसान को बढ़ाए, इसलिए उस अच्छाई को बनाए रखें जो इस समय भरपूर बनी हुई। किसी भी तरह का बड़ा परिवर्तन करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। मकर राशि वालों की कोशिशें आपको पूरा फल दे रही, पर आपके बदलते हुए विचार आपको मुश्किलों में डाल सकते हैं। इस भेद को समझें ताकि वो अच्छाई भी बनी रहे जो आपके भाग्य को जगा रही। क्या करना चाहिए समय, फजूल खर्ची करने से बचना होगा और किसी की बातों में भी आने से बचना होगा, क्योंकि उसमें भी लोगों का स्वार्थ छुपा हुआ हो सकता है। इसलिए अपने हित को पहचानते हुए आपको अपने फैसले करने होंगे। क्या ना करें इस समय में, पैसे से जुड़े फैसले इस रूप से ना करें जिसमें लोग आपसे नाराज होते चले जाएं, पर लोगों को खुश करने के लिए आप अपने पैसों को भी कहीं फंसाते ना चले जाएं। इसलिए दोनों ही चीजें कठिन है, जिसमें कोई गलती करते चले जाना ठीक नहीं। थोड़ा सोच समझ कर अगर आप फैसले लेंगे तो बात बन जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा आकलन करना पड़ेगा हर तरह की परिस्थितियों का। कुंभ और मीन राशि अब आपका राशिफल और आपके लिए बेहतरीन टिप ज्योतिष गुरु की आपको बताएंगे। ज्योतिष गुरु क्या करें क्या ना करें आज के दिन। कुंभ राशि वालों की कामकाज की स्थिति ठीक है, क्योंकि आपका लोगों से तालमेल बहुत अच्छा बना हुआ है। आपके साथी सहयोगी भी आपसे जुड़कर आपकी हर तरह से मदद ही करना चाह रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में, आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ दबाव बने रह सकते हैं, क्योंकि आपकी जरूरतें बढ़ रही। बढ़ते हुए खर्चों का असर भी आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है, जिस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। हालात के भरोसे चलने के बजाय अपने दम पर ज्यादा मेहनत से बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। क्या ना करें समय में, लोग आपके प्रति अच्छे हैं, पर लोगों से जरूरत से ज्यादा उम्मीद लगाते चले जाना ठीक नहीं, क्योंकि बदलता हुआ समय है और आगे चलकर स्थिति को संभाले रखने में मुश्किलें भी पैदा हो सकती हैं। मीन राशि वालों के कामकाज से जुड़े हालात ठीक हैं, पर पैसे से जुड़े हालात मुश्किलें दिखा रहे हैं। पैसे की देनदारी का बोझ भी हो सकता है और बढ़ते हुए खर्चों को संभालने की जरूरत भी पड़ सकती है, इसलिए अपनी बढ़ती हुई इच्छाओं को भी थामे रखने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में, कामकाज से जुड़े हालात को भली भांति समझें ताकि उन्हें भी समय रहते संभाल लिया जाए। किसी प्यार के रिश्ते से जुड़े विचारों को फिलहाल स्थगित किया जा सकता है। क्या ना करें समय में, कोई ऐसा विचार बनाने की कोशिश ना करें जिसमें लोग आपसे दूर हटते चले जाएं। वैसे भी कोई ऐसी तकरार की स्थिति ना उत्पन्न होने दें जिसका बुरा असर किसी न किसी रूप से रिश्तों पर पड़ता चले। आगे हम भी बढ़ेंगे और अब बात करेंगे उस राशि की जिसके नाम खुलेगा आज का जैकपॉट। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज के दिन में खास यह है जी कि अपनी सूझबूझ हर रूप से बनाए रखनी होगी और उसमें अपने काम के प्रति समर्पण भी बनाए रखना होगा। पैसे से जुड़े फैसलों में भी लोगों की बातों में आने के बजाय अपनी सूझबूझ से फैसले लेने होंगे। तो फिलहाल इजाजत दीजिए और जिंदगी में अगर कुछ अलग कर रहे हैं, दुनिया आपको अजब समझ रही है, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। कभी कभी इस अजीब दुनिया को समझने के लिए थोड़ा अजब बनना भी पड़ता है। तो फिलहाल हमारी उम्मीद यही है कि आपका आज का दिन बहुत अच्छा होगा, आपकी जिंदगी बहुत खूबसूरत बनेगी, क्योंकि आप हैं ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी के साथ।
अगर कोई मुश्किल है तो आपके tare@aajtak.com आईडी है जिस पर आप भेज सकते हैं अपना सवाल ज्योतिष गुरु तक। वेबसाइट है www.aajtak.in/tare। तो फिलहाल इस मुलाकात को आज यहीं रोकते हैं, कल फिर हाजिर होंगे ज्योतिष गुरु के साथ, और आपके साथ होंगे आपके तारे। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।